क्योंकि एक उच्च स्तरीय कमेटी हमने डॉक्टर प्रोफेसर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनाई है। राधाकृष्णन कमेटी सारे पहलुओं पे सभी से विचार कर रहा है, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। और मैं आपको कहूं कि जिस विषय को हम लोगों ने एक कमिटमेंट के नाते लिया है कि हमें आज 21st सेंचुरी स्तर की एक संगठन एनटीए को बनाना है, हमें ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री, जीरो एरर वाला ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को बनाना है। उसके लिए जिस भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस भी प्रकार की ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा, उस कमिटी उस दिशा में काम कर रही है। उस कमिटी की अवधि 2 महीना है, अभी जुलाई में हम लोग हैं। मैं निश्चित रूप में अपेक्षा रखूंगा उस कमिटी अपने समय के अंदर अपने रिकमेंडेशन देगी। उस हिसाब से एनटीए के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय प्रदीप खोरोला जी उसकी दायित्व में है, वो भी खुद में खूब मेहनत कर रहे हैं। एनटीए को और विश्वसनीय बनाने के लिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे।